मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी माना, यह कुछ अलग बात नहीं है क्या? मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी माना, यह कुछ अलग बात नहीं है क्या? तुमने मुझे धोखा दिया, ये गलत बात नहीं है क्या? अरे वाह, मतलब हाँ दोस्तों, एवरीवन गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आप लोग कैसे होंगे? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे आप। दोस्तों आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ यार, सॉरी चाहता हूँ, वीडियो यार चैनल पे अपलोड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी यार मेरा बहुत एग्ज़ाम चल रहा है, टेंशन की वजह से सोच रहा हूँ वीडियो बनाऊँ कि एग्ज़ाम दूँ। तो अभी तो एग्ज़ाम दूँगा, क्योंकि वीडियो अभी थोड़ा मेरा लेट में आएगा, और मैं सोच रहा हूँ कि मेरा एग्ज़ाम हो जाए तो काफ़ी अच्छा से मतलब वीडियो बनाऊंगा और कहीं घूमकर। तो मैं अभी अपने गांव का बहुत ज़्यादा काफ़ी व्लॉग बना चुका हूं, तो मैं सोच रहा हूं कहीं और जाऊं। तो आज का मेरा टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो आप थंबनेल में देखेंगे मेरे साथ एक छोटा लड़का था, वो लड़का बहुत कमाल का है यार। तो अभी हमें उसके पास चलूँगा और उसका वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, वो क्या उसके अंदर क्या मतलब टैलेंटेड है। अभी वो तो गाँव में है लेकिन उसे कोई जानता नहीं, उसके पास मतलब मोबाइल भी है और रील्स भी बनाता था, लेकिन अब नहीं बना रहा क्योंकि मोबाइल उसका ख़राब हो चुका है। तो अभी वो भी स्टडी कर रहा है, तो अभी वो इतना ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन मैं सोचा कि यार अपनी इतना छोटा है, तेरे अंदर इतना टैलेंटेड है, क्यों वीडियो नहीं बनाता तू? तो उसी से आज मैं मिलने जा रहा हूँ, तो काफ़ी टैलेंटेड है आप देखिएगा। तो कुछ आपको सुबह का नज़ारा अपने गाँव का दिखा दे, अभी सुबह का नज़ारा है तो अभी काफ़ी ठंड पड़ी, देखिए मैं अभी स्वेटर पहना हूँ। तो सुबह के 7-8 बज चुके हैं, तो सुबह का मौसम कुछ ऐसा ही है और सूरज अभी जो है नहीं निकले हैं, जो सन है अभी नहीं निकले हैं। तो आपको पीछे का कुछ चीज़ आप दिखा देते हैं, ये देखिए कुछ सुबह का नज़ारा ऐसा है। तो इधर से अभी सन निकलता है, तो अभी सन नहीं निकला है क्योंकि अभी बहुत बदरी है, और ये देखिए काफ़ी मतलब कोहरा पड़ रहा अभी। तो आइए हम चलते हैं अपने उस फ्रेंड के पास जो कि बहुत टैलेंटेड है। तो आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा, आशा करता हूँ कि आप वीडियो पूरा वॉच करेंगे, देखेंगे। तो चलिए उसी के पास चलते हैं। तो फ्रेंड्स यार आपको एक बात बता दूँ कि हम लोग जो मतलब वीडियो बना रहे हैं छोटे से बहुत से छोटे से गाँव में हैं यार, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत हमें, क्योंकि मुझे वीडियो बनाते पहले इस चैनल पर मैं कॉमेडी वीडियो डाला करता था, तो इस समय मैं ब्लॉग चालू कर रही हूँ क्योंकि यार कॉमेडी में इतना मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अभी देखिए एक फ्रेंड आ रहा है, उसी के घर हम मुझे लेकर चलेगा साइकिल से, ये देखिए आ गया यहाँ पर देखिए। तो चलिए हम उसी के घर चलते हैं, देखिए बहुत टैलेंटेड है और उस बच्चे को आप ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो मैं बता दूँ मेरे घर वाले सब लोग अच्छे हैं। तो आपके घर वाले कैसे हैं? आपके घर वाले आई होप करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में लिख बताइएगी कि आपके घर वाले कैसे हैं, और ये वीडियो भी आज का ब्लॉग भी बताइएगा आज का ब्लॉग भी कैसा था। तो फ्रेंड्स देखिए अभी अभी अपने घर आ चुका हूँ, तो मेरा घर और दूर है, मतलब अभी गांव में हूँ, तो गांव से होते होते वहाँ पर जा रहा हूँ, उसे अपने घर में साइकिल से बुलाया हूँ, तो अपने घर पहुँचने ही वाला हूँ मैं अभी कुछ देर में। तो आशा करता हूँ कि आप उससे मिलेंगे ज़रूर, काफ़ी आप लोग मतलब देखने को तैयार होंगे कि मतलब किससे मिलाने वाला है, कौन लड़का है। तो मैं अभी अपने घर पर आ चुका हूँ, देखिए घर पर आ चुका हूँ, देर देखिए, और मेरी दादी अभी देखिए क्या कर रही है, एक छोटी सी बच्ची, छोटी सी बच्ची नहीं बड़ी सी बच्ची है, तो इसे मिलाता हूँ, बताइए कौन है? मेरे भैया की बेटी है, मतलब मेरी, मैं इसका चाचा लूँगा। तो इसका मासूम चेहरा कैसा लगा कमेंट जरूर देख बताइएगा। तो अभी इन लोगों का मैं ब्लॉग नहीं बनाता हूँ क्योंकि यार मैं इतना फेमस नहीं हुआ हूँ, फेमस ज़रूर हो दूँगा तो इन लोगों को अपने साथ में समेट लूँगा। तो फ्रेंड्स मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये क्या है, आपको बता दूँ ये कारपेट है, मतलब गलीचा। तो हमारे घर कारोबार यही गलीचा का चलता है, बहुत अच्छा चलता है और सारे परिवार लोग यही कारोबार करते हैं। तो फ्रेंड्स यार अभी मैं छत के ऊपर जा रहा हूँ, गाइस मैं अभी छत पर आ रहा हूँ क्योंकि नीचे बहुत शोर हो रही थी, इसलिए मैं छत पर आ रहा हूँ, ये देखिए छत पर आ चुका हूँ। तो फ्रेंड्स यार अभी मैं छत पर आ गया हूँ, तो यार अभी एंट्री मारने वाला है, उसका इंतज़ार करो, एंट्री मारने वाला भाई, दिखा देते हैं आपको कौन है। राम तो भाई, शांता भाई, और आ गया है जुनेद भाई, मतलब
जेके भाई यार देख आ गया। तो यार फ्रेंड ना इसके साथ रहते रहते मैं भी ना थोड़ा सा शायरी मारने लगता हूँ यार, बहुत प्यारा शायरी बोलता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब सस्त्रीकाल, तो कैसा है हाल? बोला था ना देखो कितना जोर शायरी मारता है, बहुत यार कमाल का लड़का यार, इसे सपोर्ट करो जरूर। मैं सबका पोल, पहले बात सुनो, मैं सबका पोल खोल ही देता हूँ, मैं जहाँ भी जाऊँ शायरी बोल ही देता हूँ। अरे वाह यार, रात मिला देखा ना कितना टैलेंट है इसके अंदर, ये मतलब यही नहीं करता, ये डांस भी बहुत कमाल का करता है यार, और किसी का मिमिक्री बहुत कमाल का करता है। तो मोहब्बत सिर्फ तुमसे है, मोहब्बत सिर्फ तुमसे है, और एटीट्यूड बचपन से है। अरे भाई भाई क्या बोलता यार, तेरी ना जवान मुझे बहुत पसंद है। और बता दूँ ये ना किसी का शायरी मतलब सुनकर नहीं बोलता, खुद का शायरी लिखता है यार, इतना छोटा सा है शायरी लिखता है, सोचो कितनी टैलेंटेड बात है। ये छोटा इंदौरी है, मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी माना, यह कुछ अलग बात नहीं है क्या? मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी माना, यह कुछ अलग बात नहीं है क्या? तुमने मुझे धोखा दिया, ये गलत बात नहीं है क्या? अरे वाह, मतलब समझे कि नहीं? अब तो समझ गए होंगे, इतने मतलब अनपढ़ नहीं हो, मतलब समझ गए होंगे, शायरी का मतलब समझ गए होंगे। कुछ और बता यार, अच्छा सा। तो सुनो, बात ही बात में सुबह हो गई, खुदा से कह दे रात हो जाए। बात ही बात में सुबह हो गई, खुदा से कह दे रात हो जाए, मॉम डैड नहीं है घर पे आओ थोड़ी मुलाकात हो जाए, मॉम डैड नहीं है घर पे आओ थोड़ी मुलाकात हो जाए। ए भाई देख रहे ना इसका कमाल, आप तो देख ही ले होंगे। और ये बता दूँ इंस्टाग्राम पे पहले वीडियो बनाता था, इसका मोबाइल मतलब खराब था, लाइफ स्टाइल में आपको बता दूँ, ये अभी छोटा सा है, अभी पढ़ता है सरकारी जो स्कूल है उसी में पढ़ता है, और मैं भी सरकारी स्कूल में भी पढ़ता हूँ, तो मेरा भी एग्ज़ाम चल रहा है, तो मैं अभी वीडियो अपलोड ज़्यादा नहीं कर रहा। तो सुनो, जिसके पास बैकग्राउंड नहीं होता वो सिर्फ पैसा ही दिखाता है, जिसके पास बैकग्राउंड नहीं होता वो सिर्फ पैसा ही दिखाता है। तेरे भाई के पास मोबाइल नहीं है, जेके भाई एटीट्यूड ऐसे ही दिखाता है। अरे वाह भाई, तो बहुत आगे जाएगा यार, ऐसे ही मेहनत करता रहो, और मैं तुझे फुल सपोर्ट करूंगा अगर से मेरे वीडियो में हर वीडियो में आता रहेगा तो। भाई तू सपोर्ट कर, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर ये जो देख रहे हैं अगर वो सपोर्ट करे तो मैं तो आपका भाई जेके आगे बढ़ेगा। तो भाई देख रहे हैं ना इसका एटीट्यूड कितना है, अभी तो छोटे से गाँव में है इतना एटीट्यूड है, अगर से शहर में जाएगा तो कितने इसके अंदर एटीट्यूड, कि वो वाला एटीट्यूड नहीं कि जो घमंड दिखा, ये घमंड नहीं, मतलब इसके अंदर इतना टैलेंटेड है कि कुछ भी कर सकता है, और डांस भी बहुत अच्छा करता है यार, डांस भी बहुत अच्छा करता है, भाषण भी बहुत अच्छा देता है, ये गाँव में ना किसी से भी मतलब डरता नहीं है, सबके सामने बोल देता है। तो यार इसको आगे बढ़ाओ यार, और इस चैनल को आप जो देख रहे हैं इस चैनल पर तुरंत सब्सक्राइब करो, और ये हमारी वीडियो में हमेशा आता रहेगा, और इसका अगर से आप शायरी अलग देखना चाहते हैं, बहुत ही मोटिवेशनल कुछ भी शायरी अलग देखना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजो, और इंस्टाग्राम का लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा, जाकर इंस्टाग्राम पर तुरंत मुझे फॉलो करो, और कमेंट में लिखो कि भाई का जेके भाई का शायरी अपलोड करो। तो यार थैंक यू यार, ऑल ऑफ यू थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर लाइक करना, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ मिलेंगे और एक नए अंदाज में मिलते हैं। महंगाई से हाल है बेहाल, जा रहे हैं सब लोग खोज रहे हैं हर एक चीज़ सस्ते, महंगाई से हाल है बेहाल, सब लोग खोज रहे हैं हर एक सामान सस्ते, तो जा रहा है तेरा भाई जेके। हेलो दोस्ते नमस्ते। वाह देखा ना, जा रहा हूँ अब, नमस्ते।